गाइस आप देख सकते हो कितना हसीन है और ये इतना मजे का होता है ना। मैं क्या, हमने ये दो पिलो लिए हैं। इधर उधर धक्का मुक्की चल रही है गाइस। तो ये रोल आ चुका है। सीन ये है कि आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो ये इस बात की बना रहे हैं कि आप लोग मुझसे बोलते हैं कि आप कहाँ से आप शॉपिंग करती हैं, अपनी शॉपिंग कहाँ से कर रही हैं आप। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोग को लेके चलूँ। वैसे तो हम लोग चीज़ें बदलवाने के लिए ही जा रहे हैं क्योंकि हमारी अम्मा को कुछ समझ नहीं आता है। तो अब जो हम जा रहे हैं वो दूसरी तीसरी बार जा रहे हैं उसी जगह। सो आप लोग मेरे साथ रहें, अभी चलते रहें, बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। और नुमान आपके क्या तासुरात हैं जो अभी हम जा रहे हैं उसके ऊपर? कुछ खास कुछ खास नहीं है। बेसिकली नुमान की हटी हुई है बिकॉज हम लोग कोई कितनी बार, कौन सी बार जा रहे हैं हम यहाँ पे नुमान? तीसरी दफा जा रहे हैं। और नुमान को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, बोला क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं जाना नुमान ने। गाइस अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, नुमान हमारी गाड़ी चलाएंगे, पीछे हमारी मामा हैं। तो गाइस अभी हम लोग मेट्रो आ चुके हैं। वैसे हम लोग काफ़ी टाइम बाद मेट्रो आए हैं। सो मामा ने बोला है 11:11 की सेल हो रही है तो क्यों ना कुछ सामान ले लिया जाए। सही है। तो अभी मामा जा रही हैं। मामा कुछ तासुरात बताएं लोगों को कि आपने क्या क्या सुना है 11:11 की सेल के बारे में। देखें क्या सेल होती है। अभी तो कुछ अच्छे तासुरात तो नहीं सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन देखें क्या, बस देखने से पता चलेगा। हाँ तो बस अभी हम लोग अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि क्या सीन बना हुआ है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग मेट्रो आए थे ना, तो मेट्रो पर हमने ये दो पिलो लिए हैं। ये हमें तकरीबन 1100 का एक पिलो पड़ा है। सो काफ़ी अच्छा है, फ्लफी है और सही लग रहा है, तो इस वजह से हमने इसको उठाया है कि सर पे रखेंगे तो दर्द नहीं होगा। तो अभी एक हुआ है सीन, वो नुमान भाई बताएंगे कि नुमान भाई के बेचारे ने इतनी मुश्किलों से मैग्नम खरीदी। मैग्नम 250 रुपये की मैग्नम दी। अम्मा के गाने के चक्कर में अम्मा ने फेंकी दी। वो अम्मा के हाथ से स्लिप हो गई। हमने तो ये ली थी 100 रुपए की कॉर्नेटो, 100 रुपए की है मामा, ये 100 रुपए की थी ना? हाँ 100 रुपए की थी ये। इन हो रही है तो चाय नहीं रही कि वो खरीदे। तो मामा ये सोची समझी नुमान, ये सोची समझी प्लानिंग की और साजिश की है इन्होंने कि मैं नहीं गाऊंगी और कोई नहीं खाएगा वाली। देख रहे हैं गाइस क्या क्या हो रहा है दुनिया में। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हैदरी, और हैदरी पे मामा ने एक वो खरीदा था नेकलेस मलीमे के लिए, बट वो मामा को पसंद नहीं आया तो अभी हम उसको चेंज करवाएंगे। तो अभी हम लोग हैदरी की तरफ चल रहे हैं। मेरी अम्मा को चीज़ें तो पसंद ही नहीं आती हैं इतनी जल्दी। गाइस तो अभी हम लोग हैदरी में आ चुके हैं और रश का आलम हो रहा है बहुत ज़्यादा। इधर उधर धक्का मुक्की चल रही है ब्रो। बस अभी हाँ इसी से लिया था हमने, इनसे खरीदा था तो मामा को पसंद नहीं आया है तो मामा ने वो चेंज करवाना है। एक एडवाइस भाई, इसको बड़ा क्या बोलते हैं ये ग्रिप पकड़ के रखना है। गाइस सुन लिया है, यहाँ पे ग्रिप पकड़ के रखते हैं क्योंकि लोग चमाट मार के मोबाइल हाथ से छीन के चले आते हैं। देख रहे हैं आप ये मामा बार के हेल करते हुए समझिए। गाइस आप देख सकते हो कितना हसीन इनके पास है। मैंने भी अपने कंगन यहाँ से लिए हैं, बिल्कुल मेन हैदरी जो है ना इस तरफ ये है, तो यहाँ से हम लोग अभी अपने भी खरीदे हैं। मैंने भी कंगन लिए हैं यहाँ से, और इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है बहुत रीजनेबल प्राइसेस के अंदर, तो आप लोग यहाँ से आके ले सकते हैं। आप लोग मुझसे क्योंकि कॉन्स्टेंटली पूछ रहे थे आप कहाँ कहाँ जा रही हैं अपनी शॉपिंग के लिए, तो ये है कि आप यहाँ पे भी आ सकते हैं बिकॉज हम यहाँ से ले रहे हैं। मामा को पसंद कुछ आ रहा है और उसका इयर रिंग्स कुछ लगा रहे हैं। बताओ गाइस, हाँ ये वाला है, बस यही वाला सही है। गाइस तो ये लोग अभी आए हुए हैं रोल लेने के लिए। ओके okay. नुमान को रोल खाना है तो बस रोल लेने के लिए आए हुए हैं। मुझे भी भूख तो बहुत लग रही है, लेट्स सी क्या मैं क्या कहा। गाइस तो ये रोल आ चुका है, ये ले एक और दे दे। ओके नहीं नहीं मुझे भी मिल गया है। ओके वरना मैं नाराज हो गई थी मामा से, बहुत गंदा वाला। ओके गाइस तो हम लोगों ने अभी चिकन रोल खाया है और बहुत मज़े का था। अभी हम ढूंढ रहे हैं मामा को और मामा हमें देख नहीं रही हैं दूर दूर तक। देर इज़ मोमी, क्या बात है, आई हैव नो आइडिया मामा कहाँ हैं। तो बस
आवाज तो मुझे कहीं से आ रही है तूबा तूबा करके, लेकिन आई एम अनएबल टू। ओके गाइस, चप्पल कैसी है? अच्छी लग रही है, कैरी कर लेंगे गाइस। मां बोली हूं कैरी कर लेंगे चप्पल। अभी लेट्स गाइस, तो मामा ने एक चप्पल उन्हें समझ आई है तो वो निकलवा के देखी है। लेट्स सी उन्हें समझ आता है और हम लोग खरीदने की तरफ जाते हैं या नहीं। क्या अच्छी लग रही है आपको लेने वाले सीन्स है या सही लग रहे हैं? गाइस वो कम्फर्टेबल है। और अभी हमें शॉप में आए हुए हैं, हमें इतनी सारी वैरायटी दिख रही है हैदी मार्केट में। गाइस तो हम लोगों ने नहीं खरीदी बिकॉज एक तो बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं, इतनी एक्सपेंसिव पैसे पे करने का मुझे समझ नहीं आता कोई भी। गाइस तो अभी दूसरी वाली शॉप में आ चुके हैं, यहाँ पे एक आर्टिकल निकलवाया है। नाउ लेट्स सी यहाँ से समझ आते हैं। गाइस तो अभी हम लोग आए हुए हैं लकी स्पेशल सूप पे, और अभी हमने यहाँ से सूप ट्राई किया था। इसका सूप बहुत मज़े का होता है और ये जौहर पे है बिल्कुल रेड एप्पल के सामने, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये लवाजमात आ चुके हैं इसके, और हम लोग अभी बैठ चुके हैं यहाँ। गाइस तो ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस अभी वो लेके आएगा सूप। और यार इसका सूप बहुत मज़े का होता है। अगर आप जौहर में रहते हैं तो दी बेकर्स के बिल्कुल सामने है इनका शॉप लकी सूप के नाम से, बस वहाँ आ जाएं और मस्त पिए। गाइस तो ये देखें, आ चुका है इनका चिकन कॉर्न सूप, और ये इतना मज़े का होता है ना मैं क्या बताऊँ भाई। लकी भाई आपने तो बेस्ट दे दी है। मान भाई आपके क्या व्यूज़ हैं इस सूप को लेके, क्या रेट देंगे आप 10 में से? 8 आपने तो पिया ही नहीं है तो। गाइस तो ये यहाँ बना हुआ है और आपने लाजमी आना है। ओके और अभी हम लोग घर जा रहे हैं यार, इतना मज़े का सूप था ना कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन अभी हम बस घर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे ना ऐसे मोबाइल निकालना इज़ नॉट सेफ, कभी भी आके मोबाइल निकाल वाला सीन। ओके ओके गाइस तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं, आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी और अभी भी आपको मैं और चीज़ें दिखाऊँगी कि मैंने मायों की शॉपिंग कहाँ से की है। बेसिकली मायों की जो मैंने अपनी शॉपिंग की है, जो मैंने अपना मतलब ढोलकी का ड्रेस लिया है वो मैंने ख़रीदा है हैदरी मार्केट बाड़ा मार्केट से, और जो मैंने अपने ऐसे मायों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे मतलब बहुत प्यारा सा मेहंदी के वो लिखे हुए आते हैं जिसके अंदर आप मेहंदी और हल्दी कहते हैं, जो मेहंदी वाले दिन यूज़ हो सकते हैं, तो वो जो मैंने ख़रीदे थे वो मैंने ख़रीदे थे आपकी अलग अलग रही। ये जो हमारी दुपट्टा गली बनी हुई है फैसल बाजारे फैसल के पीछे जो पट्टा गली है उसे आप बिल्कुल सीधे जाएंगे ना तो पीछे शॉप्स बनी हुई हैं काफ़ी सारी, तो वहाँ से ख़रीदा था, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे वहाँ से मिल गया था। और मैंने और भी बहुत सारे वहाँ से मैंने अपने काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स ख़रीदे हैं, काफ़ी सारी मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं। और बस अभी तो फ़िलहाल यही चल रहा है, यही सारी चीज़ें हैं। मेरे ड्रेसेस काफ़ी सारे ये हैं, मैंने राबी सेंटर से ख़रीदे हैं अपनी जो मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं, जो मतलब जो यूज़फुल चीज़ें हैं मेरी सारी मैंने यही ख़रीदा है कि गुल प्लाजा हो गया, राबी सेंटर हो गया, मतलब ड्रेसेस वगैरह जो मतलब ऑब्वियसली पहनने होते हैं आपको शादी के बाद। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि भाई हम तो ड्रेसेस भी नहीं रह रहे, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आप कुछ अपने गिने चुने ऐसे ड्रेसेस लेके जाते हो जो ऑब्वियसली आपको शादी के बाद पहनने होते हैं, शादी के बाद दावतें होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो आप हर वक्त का तो नहीं हो सकते ना कि आप पीआर पे कपड़े मंगा के पहन लें। सो गाइस वो वाले जो कपड़े हैं वो मैंने राबी सेंटर से लिए हैं, कुछ बाजार फैसल से लिए हैं, कुछ करीमाबाद से लिए हैं, कुछ राबी सेंटर से, मतलब मुख्तलिफ़ जगहों से लिए हैं। मुझे क्रॉकरी का बहुत शौक है, आई लव क्रॉकरी, मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट चीज़ों के अंदर से है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। सो मैंने कुछ छोटा मोटा क्रॉकरी का सामान भी रखा है अपने साथ, मैं मुझे पसंद है तो वो मैंने ख़रीदा है। मैंने कहाँ से ख़रीदा है? वो मैंने गुल प्लाजा से ख़रीदा है, क्योंकि गुल प्लाजा के जो रेट्स होते हैं वो बाकी जितने जो आपको जगहों पर चीज़ें मिलती हैं उसके मुकाबले काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि आई थिंक वहाँ पर होल सेलर्स होते हैं, तो होल सेलर मार्केट होती है, तो इस वजह से आप लोग को जैसे शॉपिंग करनी हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये वाली सारी जगहों पर जाएँ। आशियाना भी है, मैंने सुना है वहाँ पर भी चीज़ें सस्ती मिलती हैं, वहाँ पर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पापोश पे भी गई थी मैं देखने के लिए, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से मतलब ये है कि रीज़नेबल चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं मिलेंगी, और ऑब्वियसली आपके बार्गेनिंग स्किल्स भी होने चाहिए, तो मेरी मम्मी के बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, सो मतलब हैट्स ऑफ वाला सीन है। कोई मुझे बोले ना
तो मैं तो फौरन बोलूँगी यार ये कोई मुझे बोलेगा 1000 की चीज़ है तो मैं तो 1000 हाथ में कैसे आ जाऊँगी, मैं इस तरीके की हूँ। मेरी अम्मा को कोई बोलेगा 1000 की चीज़ है वो स्टार्ट ही 200 रुपये से करती हूँ, करते 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 फिर वो उसको 800 पे ले जाती हैं। तो मतलब बार्गेनिंग स्किल्स ऐसे आने चाहिए, वरना ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला 40,000 का ड्रेस है तो आप 40,000 में पे करके आ जाओ, एटलीस्ट थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो लो। तो ये वाला आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी 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 मैंने आज की जो है ना जो भी एक्टिविटी रही है वो मैंने इसमें बनाई है और आपको दिखाया भी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत सारे ब्लॉग्स आपके पास आने वाले हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।